स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आरपीसी में यूनिट थर्ड क्वार्टर में। इसका नेक्स्ट टॉपिक है कैथार्टिक्स, सेलाइन कैथार्टिक्स क्या होता है। तो जब पहला लेक्चर किया था मैंने बताया था, पहले वहीं पे बता दिया था कि कैथार्टिक्स क्या है, तो एक बार फिर से जान लेते हैं। ठीक है, माउस से लेकर, ठीक है, माउस से लेकर अगर आओ बीच में स्टमक छोड़ ले लो, ठीक है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सबसे फूड पास होता है ना। माउथ से खाना खाते हैं, स्टमक में डाइजेशन हुआ, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ, और करते 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 यहाँ पे फीकल मैटर बनता है। जो लैट्रिन होती है फीकल मैटर बनता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे फीकल मैटर बनने के बाद ये फीकल मैटर क्या होता है, वो आउटसाइड ऑफ बॉडी एनएस के द्वारा चला जाता है। ठीक है, एनएस के द्वारा कहाँ निकल जाता है, एक सिंपल सा डाइजेशन प्रोसेस। लेकिन अगर प्रॉब्लम ये आने लग जाए कि अगर यहाँ पे जो क्या काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, समझो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन, कि जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर उतना पानी हमारे शरीर से रोज बाहर निकलने लगेगा तो आपको पता है उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा। इन दैट केस क्या हो रहा है कि यहाँ से जब फीकल मैटर बाहर निकलता है तो इंटेस्टाइन जो होता है लार्ज वाला, वो पहले पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ा बहुत वाटर को छोड़ता है ताकि आराम से लैट्रिन गीली रहेगी तो फीकल मैटर तो बाहर निकलने में आसानी रहेगी। तो दो चीजें हो सकती हैं, या हो सकता है कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब ना कर पा रहा, जितना उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए था उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हो, तो उस केस में जो होगा वो बहुत ही लिक्विड के फॉर्म में, आपके लिक्विड फाइलिंग के फॉर्म में फीकल मैटर बाहर निकलेगा, क्योंकि भाई पानी तो उसको एब्जॉर्ब करना था, इंटेस्टाइन को उसने किया नहीं, तो अब लैट्रिन बहुत गीली हो जाएगी, एकदम लिक्विड की तरह हो जाएगी और वो लिक्विड की तरह बाहर निकलने लगे। तो ये बीमारी है जिसको डायरिया कहते हैं। ठीक है, दिस इज द डायरिया। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है डायरिया है, उस केस में भी दिक्कत नहीं, हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन ने ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, लार्ज इंटेस्टाइन ने ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी बहुत हार्ड हो गया, पूरा पानी निकल जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ये हार्ड सॉलिड हो जाएगा, हमारा जो फीकल मैटर है वो हार्ड हो जाएगा। तो इस बीमारी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का ही दोनों का झाप है, डायरिया भी और कॉन्स्टिपेशन। माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया बॉडी में तो फिर ये डायरिया हो सकता है उस केस में। तो डायरिया में क्या हो रहा है कि जो हमारा फीकल मैटर है वो बहुत सॉलिड फॉर्म में निकल रहा है और कॉन्स्टिपेशन फीकल मैटर बहुत हार्ड फॉर्म में निकल रहा है। तो ऐसे केस को ट्रीट करने के लिए हम जो दवा देते हैं डायरिया को ट्रीट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव, उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। वो कब देते हैं, जो डायरिया को ट्रीट करने के लिए। और अगर कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है तो उस केस में क्या देते हैं हम लोग, कैथार्टिक्स। क्या देते हैं, क्लियर हो गया कि दोनों का रोल कहाँ, कैथार्टिक्स का रोल कहाँ पे है, प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट का रोल कहाँ, दोनों का काम फीकल मैटर से ही जुड़ा हुआ है। फीकल मैटर में अगर लिक्विड फॉर्म में हो रहा है उसको सॉलिड करने के लिए, उसको बल्क बनाने के लिए हम डायरिया केस में क्या देते हैं, प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट देते हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन बढ़े, हम ऐसा ड्रग देंगे कि जो इंटेस्टाइन को रोके कि वाटर का एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से बंद करो या कुछ वाटर को छोड़ दो, या हम कुछ तरीका अपनाएंगे जिससे हमारा जो फीकल मैटर है वो गीला हो जाए ताकि आसानी से बाहर निकलना शुरू हो जाए और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाए जिससे लैट्रिन बाहर निकलने लगे, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन या कैथार्टिक्स। क्लियर हो गया। अब हम मुद्दे की बात करते हैं कैथार्टिक्स की, जो हमारा टॉपिक है। तो कैथार्टिक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो प्रकार के होते हैं। एक कैथार्टिक्स होता है लक्सेटिव और एक कैथार्टिक्स होता है परगेटिव। यानी कैथार्टिक्स की ही दो कैटेगरी है, लक्सेटिव और परगेटिव। अगर ये माइल्ड एक्टिंग है, माइल्ड एक्टिंग मतलब कि अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत खराब स्थिति में नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है कि भाई सुबह लैट्रिन नहीं हो रही है, दिन में एक दो दिन में नहीं हो पा रही है, तो नॉर्मल केस में ये माइल्ड एक्सपीरियंस देते हैं। और जब बहुत ज्यादा कंडीशन वर्स्ट हो गई है कि बिल्कुल हो ही नहीं रही है, एकदम बंद हो गया है, तो उस केस में स्ट्रांग देते हैं, दिस इज स्ट्रांग एक्टिंग। समझ में आ गया। अगर माइल्ड एक्टिंग मतलब अगर मीडियम तरह से काम कर रहा है तो माइल्ड एक्टिंग लक्सेटिव कहलाता है और स्ट्रांग एक्टिंग क्या कहलाता है, परगेटिव। और दोनों ही क्या है, कैथार्टिक्स, और काम क्या कर रहे हैं, यही कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। ये होते हैं हमारे कैथार्टिक्स। अच्छा, इसको देते क्यों है, यूज क्यों करते हैं। पहला कंडीशन तो वही है कॉन्स्टिपेशन केस में कि आपको लैट्रिन नहीं हो रही प्रॉपरली, कॉन्स्टिपेशन हो गया उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। दूसरा केस में क्या होता है कि जब भी आपका कोई पेट या इंटेस्टाइन की सर्जरी होती है तो जितना भी फीकल मैटर आपके अंदर बना है उसको बाहर निकालना जरूरी है, उसके बाद सर्जरी होती है। तो सर्जरी से पहले इसको निकालने के लिए भी
बॉडी से फेकल मैटर बाहर निकालने के लिए भी ये सब दिया जाता है, कैथेटिस और कैथेटिस का इस्तेमाल किया जाता है कि ऑपरेशन से पहले जो होगा पूरा इंटेस्टाइन हमारा साफ हो जाए। ठीक है, ये एक कैथेटिस का रोल। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ना है, कैथेटिस के कुछ चार एग्जाम्पल पढ़ने हैं। तो चार एग्जाम्पल, पहला है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पढ़ना है, वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज केमिकल प्रॉपर्टी बस ये। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के बारे में पढ़ना है, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के बारे में पढ़ना है और बेंटोनाइट के बारे में पढ़ना है, ये चार के बारे में पढ़ लेंगे बस, इन्हीं चार एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे हमारा, तो ये कैथेटिक्स हमारा खत्म होगा। और प्रोडक्टिव एडजॉर्प्शन भी दो चार एग्जाम्पल है वो भी पढ़ लेंगे, तो ये यूनिट हमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, वही लिखना लिखना है बस। ठीक है, चलिए लिखते हैं।